हम हजारीबाग के विष्णुपुरी में हैं और गली नंबर 17 में हैं। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं विवेक कुमार तिवारी जी यहाँ पर आने वाले हैं और ये हैं कैलाश मिश्रा जी, इनके मकान पर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मेरे दरवाजे पर श्री विवेक कुमार तिवारी जो सेना में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं पधारने वाले हैं। हम उनके स्वागत के लिए आइए इनके घर को दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी आशीष कृष्णा से कहेंगे कि पूरे घर को इनका दिखाएं। तो आइए इनके घर के अंदर हम लोग चलते हैं और मिलते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जो किए हैं वो आ जाते हैं तो फिर आपसे मिलाते हैं। यापन से पालन भर लखन से बहाल आप भी चलिए ना। जैसा कि मैं अभी आप दर्शकों को बताया था कि भारतीय सेना के जवान हीरो हमारे साथ हैं और आपसे मुलाकात कराएंगे। उसी वादा को पूरा करते हुए आवाज डेली हसी टीवी अभी रूबरू करवाता है आपसे विवेक कुमार तिवारी जी से, जिन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। बहुत बहुत स्वागत आवाज डेली हसी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप कहाँ पोस्टेड थे, यहीं से शुरू करेंगे आप? अभी मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में है कश्मीर में और मैं वहीं पर सेवा दे रहा हूँ पिछले 6 सालों से लगभग। ये हजारीबाग के रहने वाले हैं, अपना पूरा परिचय हजारीबाग से दें। मेरा नाम विवेक कुमार तिवारी है और वैसे तो मेरा अपना घर चंदवार है लेकिन हम लोग कर्मा में रहते हैं बचपन से ही, तो यहीं के निवासी हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय कदमा से हुई, अभी उत्क्रमित हो गया। अब उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली से हुई, फिर मैंने वहाँ से पूलिका निकवाद कॉलेज की शिक्षा संत कोलम्बस कॉलेज से पास की और उसके बाद 2014 में मैंने ज्वाइनिंग की थी और हाँ उसके बाद मैंने CRPF ज्वाइन किया। CRPF से फिर मैंने एक टीम है CRPF की एलिट टीम है जो ऑपरेशनल के लिए काम करती है वैली क्यूटी, उसमें सेवा दे रहा हूँ। तो क्या कारनामा देश के लिए आपने किया वो दर्शकों को बताएं। ये मुझे जो अभी राष्ट्रपति के द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है ये आतंकवादियों का सफाया करने के लिए दिया जाता है, उसमें आदम साहस का परिचय देते हुए और 3 आतंकवादी को उस ऑपरेशन में मारा था, इस कारण से मुझे उस खास ऑपरेशन के लिए वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। ये कब की कहानी है, कब मारा? ये 2020 की कहानी है, 2020 में। तो उसके लिए पदक अभी आपको राष्ट्रपति, हाँ उसके बाद जो सरकारी चीजें होती है वो धीरे धीरे अपना एक दूसरे का सारा चीज करते हुए टाइम लगता है, उस टाइम पर सारा इंक्वायरी कम्प्लीट होने के बाद इसका अनाउंसमेंट भी 15 अगस्त 2022 को किया गया है। ये 15 अगस्त 2022 में ये राष्ट्रपति पुरस्कार का घोषणा की गई है और इनसे जानते हैं कि कश्मीर में रहते हुए क्या कठिनाई आपको वहाँ होती है। कठिनाइयाँ तो बहुत सी हैं लेकिन एक ट्रेनिंग एक सोल्जर के लिए काफ़ी मायने रखती है, तो हमारी प्रैक्टिस हमारी ट्रेनिंग सारी कठिनाइयों से हमें लड़ने सिखाता है। हालांकि जो जनरल कठिनाई कश्मीर का जो सब परिचित है बर्फबारी और ठंड वो सब ज़्यादा कठिन होता है, उसके अलावा जो सारी कठिनाइयाँ वो फौज से रिलेटेड है तो उसका तो हम कर लेते हैं टैकल क्योंकि वो ट्रेनिंग का हिस्सा है।
वहाँ का कुछ ऐसा वाक्या जो आज की पीढ़ी जो अभी देख रहे हैं कि भारत सरकार ने एक सेना की बहाली के लिए शुरुआत की है, उस पर बहुत विवाद भी हुआ, उस पर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ नए पीढ़ी को बताना चाहेंगे? नहीं, उस अग्निवीर वाले चीज पे तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो मैं आज की युवा पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि वहाँ जो मैंने सीखा, अपने लोगों पे भरोसा और अपने साथ जो है उन पे भरोसा दिखाना, आप जितना आप उन पे भरोसा दिखा रहे हो वो भी आपके ऊपर दिखाएं, तो हर काम आसान हो जाता है और एक टीम वर्क की तरह काम करें। एक परिवार जैसा होता है, एक संयुक्त परिवार, तो मजबूत होता है। हमारी टीम भी उसी तरीके से काम करती है, सभी मजबूती से साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है। इसलिए आप फौज में हो या सिविल में हो, हमेशा ध्यान रखें कि एकजुट होकर रहें। हजारीबाग आने के बाद आपको हजारीबाग के लोग प्यार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे सच बताऊं तो बहुत खुशी हो रही है। हर दिन कोई ना कोई फोन आ जाता है कि आ जाए यहाँ पे। जैसे कल मैं अपने स्कूल गया था, अपने विद्या कॉलेज गया था, मैंने जहाँ ट्यूशन किया वहाँ गया था। नाम बताते जाए ना? हाँ, तो मैं सुबह गया, मैं विद्या मंदिर गया वहाँ पे। ये मेरा सौभाग्य था कि जो मेरे गुरु थे उनके साथ मैंने दीप प्रज्वलन किया। क्या नाम हुआ आपके गुरु का? हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य भी हैं वहाँ पे और स्कूल के सारे टीचर, तो एक शिष्य के लिए सौभाग्य ही होता है कि आप उनके साथ बैठे, तो ये मेरा परम सौभाग्य था कि उनके साथ दीप प्रज्वलन किया। उन्होंने इस काबिल बनाया मुझे और मुझे ही प्रज्वलित करवाया। उसके बाद वहाँ से मुझे कॉलेज बुलाया गया, कॉलेज में सेंट कोलम्बस कॉलेज, वहाँ के एनसीसी के लोगों से मैंने मिला। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। 2012 में मैंने आरडीसी भी किया था और जिसमें मुझे राज्यपाल के द्वारा बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिला था, तो एक जुड़ाव कॉलेज से उसका था। तो वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद फिर सायंकालीन समय में स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के उमेश सर ने बुलाया, वहाँ गया, तो लगातार लगभग हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुला ही रहा है, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। हालांकि इस सोच के साथ मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने जो ऑपरेशन किया क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, मैंने बस अपना काम किया, लेकिन यहाँ लोग इतने खुश हैं, इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। हजारीबाग में जो मिल रहा है प्यार, इनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी गर्व है इन पर, ऐसे वीर जवानों पर पूरे देश को गर्व होती है। आज आपको मिलाया विवेक कुमार तिवारी जी से, आगे भी कुछ ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाता रहूं। आवाज डेली हसी टीवी से मैं प्रदीप पाठक, नमस्कार, सत श्री अकाल।